नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ के मांधाता नगर पंचायत में मनमानी जारी है। नगर विकास विभाग का सीधा सीधा शासन आदेश 6 जून 2022 को जारी हुआ है कि संभव ऐप पर ऑनलाइन जन समस्या की सुनवाई हो, लेकिन नगर पंचायत मांधाता क्षेत्र के समस्त 15 वार्डों की ऑनलाइन मतदाताओं की सुनवाई होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन मांधाता नगर पंचायत के जिम्मेदार लोग शासनादेश को रद्दी की टोकरी में डालकर हवा हवाई की सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। जनता की सुनवाई के लिए नगर पंचायत मांधाता से लाखों रुपए में धन भी खर्च किया गया है। उपकरण के लिए खरीदारी भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। केवल सुर्खियां बटोरने से कोई कार्य नहीं होने वाला है। नगर पंचायत मांधाता में एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग हैं। वक्त आने पर सभासदों को जवाब भी देना पड़ेगा अपने अपने क्षेत्र की जनता को। इसके साथ साथ नगर पंचायत के समस्त जिम्मेदारों को भी जवाब देना पड़ेगा। भाजपा सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन अभियान। नगर पंचायत मांधाता में यह भी धड़ाम हो चुका है अन्य वार्डों में। जबकि नगर पंचायत मांधाता में तैनात सफाई कर्मचारी सफाई नायक की सूची आज तक नगर पंचायत के कार्यालय में सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? सभासद लोग इसका जवाब दें। जिम्मेदार नगर पंचायत मांधाता के इसके जवाबदारी हैं। प्रतापगढ़ से जिला ब्यूरो अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।